फ्रेंड्स, ये न्यूज जेट एयरवेज की जांच में हुई गड़बड़ी को लेकर है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जेट एयरवेज में किस तरह का घपला हुआ था और जिस कारण से जेट एयरवेज को बंद करना पड़ा और इनकम टैक्स की तरफ से क्या आदेश आया है जेट एयरवेज को लेकर। फ्रेंड्स, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड, जेट एयरवेज जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी हुआ करती थी और इंडियन मार्केट पर पूरी तरह से इसका कब्जा था और यहां तक कि विदेशों में भी जेट एयरवेज का बोलबाला था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जेट एयरवेज को चलाने वाले नरेश गोयल के ऊपर कई बड़े संगीन आरोप लगे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप ये है कि उन्होंने जेट एयरवेज का पैसा गलत तरीके से बाहर के विदेश के बैंकों में भेजा और ये सारा पैसा उन्होंने विदेश के बैंकों में भेजने के लिए कई फ्रॉडी कंपनियां बना रखी थी, जिसमें वह जेट एयरवेज से ट्रांजैक्शन करते थे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस मामले में अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिस आया है कि उन्होंने जेट एयरवेज में स्पेशल ऑडिट की मांग की है। आपको बता दें कि स्पेशल ऑडिट ऐसा होता है जिसमें जेट एयरवेज के पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दोबारा से जांच किया जाएगा और उसका रीअसेसमेंट किया जाएगा। इस समय जेट एयरवेज की जांच में 3 एजेंसियां लगी हुई हैं, SFIO, ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। SFIO जो कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की तरफ से जांच कर रही है, ED एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस देख रही है और इनकम टैक्स जो कि टैक्स मामले की जांच कर रही है कि जेट एयरवेज में कितनी बड़ी टैक्स लाइबिलिटीज हो सकती है जिसको जेट एयरवेज ने बचाया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये न्यूज उस समय आई है जब जेट एयरवेज को खरीदने के लिए सिनर्जी ग्रुप और दिल्ली बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म ने अपनी बोली लगा रखी है, जिसको लेकर फरवरी महीने में फैसला लिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आ जाने से जेट एयरवेज के ऊपर कोई और लाइबिलिटीज आ जाती है और जेट एयरवेज को कुछ और अमाउंट पे करना पड़ता है, तो इससे जेट एयरवेज के खरीदारों के ऊपर गलत असर पड़ेगा और जेट एयरवेज का दोबारा उड़ना और मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक जेट एयरवेज के मामले में इतनी ही न्यूज आ पाई है। जैसे ही कोई अन्य खबर आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।